ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो इसे डोम वाल्व बोलते हैं, और इसी डोम वाल्व को इस वक्त उस लोकेशन पर असेंबल किया जा रहा है। बिकॉज जब हमारा फील्ड इरेक्शन का काम हो रहा था तब हम लोगों ने यहाँ से 4 डोम वाल्व को हटाया था, फर्स्ट वाला वहाँ से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, उसके बाद फोर्थ वहाँ से। तो यहाँ तक सारे पाइप कनेक्ट हैं। इसके आगे के पाइप को रिमूव किया गया है जो आप वीडियो में देख सकते हो। इस वाल्व से इस वाल्व के बीच में आप कोई पाइप नहीं देख रहे हो, वहाँ पर वो सामने की तरफ में एक पाइप रखा हुआ है, दूसरा उसके आगे में रखा हुआ है। तो ये सारे पाइप को इस जगह पर कनेक्ट किया जाएगा एक वाल्व से दूसरे वाल्व के बीच में। ये जो आप वाल्व देख रहे हो जो इस वक्त असेंबल किया जा रहा है, इस वाल्व को चैन ब्लॉक के थ्रू हैंग करके धीरे धीरे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचाया गया है, मतलब कि हॉपर के बिल्कुल पास में। दो चैन ब्लॉक की मदद से, एक इस तरफ में लगा हुआ है, दूसरा उस तरफ में, दोनों चैन ब्लॉक के थ्रू इसे हैंग करके स्लोली स्लोली ऊपर तक पहुंचाया गया है। वो जो आप सामने की तरफ में देख रहे हो, इस वक्त वाल्व नंबर 3 को असेंबल किया जा रहा है। उसके बाद बारी होगी इस वाले वाल्व की, ये है वाल्व नंबर 4। जब ये सारे के सारे वाल्व असेंबल हो जाएंगे, अपनी जगह पे रिस्टोर हो जाएंगे, तब बारी आएगी एश लाइन की। ये जो आप एश लाइन इस तरफ में लगे हुए देख रहे हो, इसे ही कंटिन्यू किया जाएगा इस एंड से, यहाँ से लेके बिल्कुल फील्ड नंबर 1 की तरफ। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और मैं यूनिट नंबर 2 के ESP के ग्राउंड लेवल एरिया में हूँ। वीडियो में आप आसानी से देख सकते हो ये सारे ESP के मेन कॉलम्स हैं, ये ब्रेसिंग्स हैं जो आपको ऑलवेज ESP के ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी। ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो इसे डोम वाल्व बोलते हैं, और इसी डोम वाल्व को इस वक्त उस लोकेशन पर असेंबल किया जा रहा है। बिकॉज जब हमारा फील्ड इरेक्शन का काम हो रहा था तब हम लोगों ने यहाँ से 4 डोम वाल्व को हटाया था, फर्स्ट वाला वहाँ से, सेकेंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, उसके बाद फोर्थ वहाँ से। तो एक एक कर सारे डोम वाल्व को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर असेंबल किया जा रहा है। ये सारे डोम वाल्व जो आप देख रहे हो जिसे असेंबल किया जा रहा है, ये सारे ऑलवेज आपको ESP हॉपर्स के नीचे लगे हुए होंगे। ये जो सारे डोम वाल्व आप देख रहे हो, चाहे इस वाले की बात करें या फिर उस वाले की बात करें, वो जो सामने की तरफ देख रहे हो उसकी बात करें या फिर उस वाले की, जितने भी डोम वाल्व हैं वो सारे ऑलवेज ESP हॉपर्स के जस्ट नीचे लगे होते हैं, और यही सारे डोम वाल्व से कनेक्ट होता है एश लाइन, या ऐसा बोल सकते हैं कि एश की पाइपलाइन। पाइपलाइन किस तरह की, वो आगे की साइड में आप देख रहे हो, वहाँ से कंटिन्यू आगे की तरफ में लगी हुई है सारी एश की लाइन, मतलब कि फील्ड नंबर 9 की तरफ। और इधर का जो एरिया है ये फील्ड नंबर 1 और 2 का है, जहाँ से हम लोगों ने एश लाइन, डोम वाल्व, ये सभी चीज़ों को रिमूव किया था, डिसमेंटल किया था। अब वाल्व जबकि लग चुका है, या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा काम बाकी है, एक दो वाल्व और लगाना बाकी है। जैसे ही ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, वाल्व को असेंबल कर दिया जाएगा, उसके बाद एश की लाइन को कनेक्ट किया जाएगा एक डोम वाल्व से दूसरे डोम वाल्व के बीच में, पाइपलाइन को कनेक्ट किया जाएगा। वो सब कुछ कैसे होगा आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। अगर आप इस तरफ पे देखो तो यहाँ पर भी लगाना बाकी है, सिर्फ आपको वाल्व दिखाई दे रहा होगा। आगे की साइड में भी सिर्फ वाल्व दिखाई दे रहा है, वहाँ पे देखो वहाँ पे भी सिर्फ आपको वाल्व दिखाई दे रहा है। बिकॉज फील्ड नंबर 1 और 2 के आसपास का जो भी पाइपलाइन, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो डोम वाल्व था, सब कुछ हम लोगों ने रिमूव कर दिया था फील्ड नंबर 1 और 2 के आसपास की सारी चीज़ों को। इवन जो भी सपोर्ट स्ट्रक्चर वगैरह लगा हुआ था ना, ये सारे प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ हम लोगों ने रिमूव किया था। अब जबकि हमारा रिस्टोरेशन वर्क से रिलेटेड जो ESP इंटरनल का काम था, इरेक्शन का काम, वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब चीज़ों को रिस्टोर किया जा रहा है, और उसी रिस्टोरेशन का ये पार्ट है। जब ये वाल्व परफेक्ट तरीके से अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर असेंबल हो जाएगा, उसके बाद जो C&I का इक्विपमेंट है जिसे हम लोगों ने निकाल लिया है, बाद में उसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद एश लाइन की बारी है। एक एक कर जितने भी वाल्व आप देख रहे हो, सभी वाल्व के साथ में एश लाइन को कनेक्ट किया जाएगा। एश लाइन भी कहीं पर रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ में तो आपको पूरा डस्ट दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ एश बिखरी हुई है, हर तरफ आपको राख का ढेर दिखाई दे रहा होगा। वो जो आप एरिया देख रहे हो वो पास डी का एरिया है, उधर में भी एश जंपिंग हुई है आज सुबह में। और ये इधर में जो आप देख रहे हो पास बी का एरिया है, उधर में भी काफ़ी डंपिंग हुई है, और ये सारा मैनुअली ही डंपिंग का काम हो रहा है, किसी दूसरी पार्टी का ये काम है। और उसी वजह से आप देख सकते हो चारों तरफ आपको राख दिखाई दे रही होगी। और इस वक्त मैं सी पास में हूँ, सी पास में हमारा काम हो रहा है। एंड गाइज, ये जो आप वाल्व देख रहे हो ये फोर्थ वाला वाल्व है। 4 वाल्व हम लोगों ने डिसमेंटल किया था, हटाया था, 2 लग चुके हैं, थर्ड वाले को लगाया जा रहा है वहाँ पर, उसके बाद ये फोर्थ वाले की बारी होगी। गाइज, मैं जो एश लाइन आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, शायद वो यहाँ पर रखा हुआ नहीं है, उसे साइड में कहीं पर रखा गया है। बिकॉज इस तरफ में आप देख सकते हो क्या कंडीशन है, ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग एश लाइन को रख देते हैं तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं जिस एश लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो आप ऊपर की साइड में देख रहे हो ना, एक वाल्व से दूसरे वाल्व के बीच में ये जो लगा हुआ पाइप आप देख रहे हो, यही है एश लाइन।
और इसी एस लाइन को हम लोगों ने रिमूव किया है, डिसमेंटल किया है फील्ड नंबर 1, 2 एंड 3 की तरफ से। बिल्कुल जस्ट आगे फील्ड नंबर 1, उसके आगे फील्ड नंबर 2 और बिल्कुल लास्ट में ये फील्ड नंबर 3 का एरिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हो इस वाल्व से उस वाल्व के बीच में कोई भी पाइप नहीं है, और ठीक इसी तरह से जस्ट उसके आगे आप देखो फिर उसके जस्ट आगे। तो ये चार लाइन हम लोगों ने बिल्कुल हटा दिया है, हॉपर नंबर 4 का एरिया, हॉपर नंबर 3 का, हॉपर नंबर 2, उसके बाद हॉपर नंबर 1, मतलब चारों हॉपर में जहाँ जहाँ हमें रिएक्शन करना था वो चारों हॉपर के आसपास से हम लोगों ने पूरा का पूरा एस लाइन एंड ये जो आप डोम वाल्व देख रहे हो ये सब कुछ हम लोगों ने रिमूव किया था। और यहाँ की जो पाइप आप देख रहे हो जो गायब है इस वक्त, उसे हम लोगों ने इस तरफ में रखा था, पर अभी आप जो कंडीशन देख रहे हो यहाँ की ESP के ग्राउंड लेवल की, चारों तरफ आपको राख दिखाई दे रही होगी, राख का ढेर उस तरफ में आप देखो, उसके अलावा इधर में आप देखो, इसी रीजन से हम लोगों ने वहां पर जो पाइप रखा था उसे शिफ्ट करवा दिया है आईडी फैन की तरफ। ऐसा इसलिए किया है बिकॉज ये जो आप पाइप देख रहे हो ये कास्ट आयरन का होता है और इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब ये आसानी से टूट जाता है। एक नॉर्मली जो लोहा होता है ना, जैसे ये इस कॉलम की बात कर लें, इस ब्रेसिंग की बात कर लें, तो ये जल्दी डैमेज नहीं होंगे, पर जो कास्ट आयरन से बना मटेरियल होता है ना उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो आप एश लाइन देख रहे हो ये पूरी के पूरी कास्ट आयरन की बनी होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से हटा के पूरी की पूरी जो पाइप है उधर हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया आईडी फैन की तरफ में। अगर बात करें नंबर ऑफ पाइप की तो एक यहाँ से, दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ, मतलब 3 × 4, तो टोटल 12 पाइप हम लोगों ने रिमूव किया था। और बाद में अब एक एक करके सारे पाइप को हम लोग असेंबल करेंगे। सारे पाइप किस तरह से एक एक कर असेंबल किए जाएंगे, जैसे ये पाइप लगा हुआ आप देख रहे हो ना, ठीक इसी तरह से वो सारे पाइप कैसे असेंबल किए जाएंगे आप आने वाली वीडियो में देखोगे। तो आप चैनल से जुड़े रहना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। गाइज अभी सबसे पहले सारे वाल्व को असेंबल किया जाएगा, वो जो आप सामने की तरफ में देख रहे हो इस वक्त वाल्व नंबर 3 को असेंबल किया जा रहा है। उसके बाद बारी होगी इस वाले वाल्व की, ये है वाल्व नंबर 4। जब ये सारे के सारे वाल्व असेंबल हो जाएंगे, अपनी जगह पर रिस्टोर हो जाएंगे, तब बारी आएगी एश लाइन की। ये जो आप एश लाइन इस तरफ में लगे हुए देख रहे हो इसे ही कंटिन्यू किया जाएगा इस एंड से, यहाँ से लेके बिल्कुल फील्ड नंबर 1 की तरफ, और ये काम कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। अभी रात के 9 बजे तक ये शिफ्ट काम करेगी और ये लास्ट वाला जो वाल्व आप देख रहे हो इसे असेंबल किया जाएगा। उसके बाद कल मॉर्निंग से ही एस लाइन का काम हमारा स्टार्ट होगा जो आप आने वाली वीडियो में देखोगे। ये वाल्व नंबर 2 है और ये वाल्व नंबर 1 है। तो पहले इसे असेंबल किया गया, उसके बाद इस वाले को, अब इस वाले को किया जा रहा है और लास्ट वन इस वाले को किया जाएगा। ये जो आप वाल्व देख रहे हो जो इस वक्त असेंबल किया जा रहा है, इस वाल्व को चैन ब्लॉक के थ्रू हैंग करके धीरे धीरे इसकी एग्जिट लोकेशन तक पहुंचाया गया है, मतलब कि हॉपर के बिल्कुल पास में दो चैन ब्लॉक की मदद से, एक इस तरफ में लगा हुआ है दूसरा उस तरफ में, दोनों चैन ब्लॉक के थ्रू इसे हैंग करके स्लोली स्लोली ऊपर तक पहुंचाया गया है। गाइज मैं इसी एश लाइन की बात कर रहा था जो वीडियो में आप देख रहे हो, यहाँ तक सारे पाइप कनेक्ट हैं। इसके आगे के पाइप को रिमूव किया गया है जो आप वीडियो में देख सकते हो, इस वाल्व से इस वाल्व के बीच में आप कोई पाइप नहीं देख रहे हो, वहाँ पर वो सामने की तरफ में एक पाइप रखा हुआ है, दूसरा उसके आगे में रखा हुआ है। तो ये सारे पाइप को इस जगह पर कनेक्ट किया जाएगा एक वाल्व से दूसरे वाल्व के बीच में, तब जाके पूरा ये सर्किट कंप्लीट होगा एश लाइन का।